सिखाता है कि ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स करना है, ऐसे ऐसे हिस्ट्री पढ़ना है, और उसमें से किसी को 90 मिलता है, किसी को 30 मिलता है। क्यों? टीचर की किसी 90 वाला को ज्यादा सिखाया, 30 वाला को कम सिखाया? नहीं, सबको एक ही जैसा सिखाया। कौन कितना सीखा इसी में उसका नंबर आता है। यहां पर भी वर्कशॉप सभी के लिए एक ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी बंदा के लिए वर्कशॉप में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बोल दिया और किसी को बताया नहीं दिया, इसको बताएंगे तो ये गिटी ज्यादा मार देगा, ऐसा है क्या? नहीं, सबके लिए सेम चीज बताया जाता, मगर जो उसको रिसीव कर लेता, जो उससे सीख लेता, जो उसको चर्चा करता, वो आगे बढ़ जाता। बाद में बोलते, अरे देखो ये बंदा जो है सिल्वर बन गया, ये बंदा गोल्ड बन गया। कैसे बन गया भाई? आप ही लोग का बीच में बैठा हुआ था ना, आप ही लोग के साथ एक साथ ट्रेनिंग लिया था। एक साथ ट्रेनिंग लेने के बाद एक बंदा आगे क्यों निकल के आता? क्योंकि जो ट्रेनिंग लेता है उसको इंप्लीमेंट करता है। धन्यवाद। बैठ जाओ। कौन बोलेगा? कौन बोल सकते हैं? वेरी गुड। आप बताओ, कल में जो है, हाँ हाँ बताओ। ऑफिस एसटीवी, वेरी गुड। एक बार मानना करो, पहला क्या है? ऑफिस एसटीवी। सेकंड क्या है? हॉल एसटीवी। हॉल एसटीवी। होम एसटीवी। देखो, पहला चीज हो गया तुम्हारा हॉल। हॉल में क्या होता है, 50-60-100 बंदा एसटीपी सुन लेता है, और उसके बाद जो एसटीपी होता है या तो ग्रुप में होगा या तो वन टू वन। मैंने 6 तरह का एसटीपी बताया था, वो ग्रुप या वन टू वन का बेसिस पे नहीं, कहां कहां पे एसटीपी हो सकता है। पहला हम लोग हॉल में एसटीपी कर दिया। जो बंदा को मैं हॉल में नहीं जा पाया उसको क्या भेजेंगे, या तो ऑफिस में लेके आएंगे, या तो सेंटर में लेके आएंगे। कहां पे? सेंटर। सेंटर। ये दो जगह आ सकते हैं। ये दो जगह भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर रात को 9 बजे हम लेके जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, सही ना? और ये भी सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक सो सकता है, खुला रहेगा। उसमें भी क्या है कि बहुत टाइम पे हमको जगह नहीं मिलता, होता कि नहीं होता? हाँ, सेंटर में बहुत सारा सेंटर अलाउ नहीं करता, बहुत सारा सेंटर बोलता ठीक है तुम सिर्फ बुधवार को करा सकते हो, होता कि नहीं होता? उसमें भी हमारा लिमिटेशन है, नहीं कर सकते। फोर्थ जो है वो है, चलो लीडर का घर में ले जाते, लीडर और ये सभी होम एसटीपी है। होम एसटीपी अलग से कुछ नहीं है, ये सभी होम एसटीपी के अंदर में ही आएगा। पहला चीज की मेरा जो भी लीडर रहता है, मैं अगर किसी को भी पकड़ के उनका घर ले जाऊं, सुबह 8 बजे भी ले जा सकते हैं ना, और रात को 8 बजे भी ले जा सकते हैं, ये सब ना। तो उसमें क्या होगा, मेरे लिए आसान होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, नहीं ना? मगर थोड़ा लीडर से पूछ के जाना, ऐसा हो कि आप लीडर का घर में गए और लीडर दूसरा जगह काम के चले गए, फायदा होगा? तो अपॉइंटमेंट करके ही जाना है, ऐसा नो? हाँ, वो चीज भी उनको जो इनवाइटेड है उसको बताना है, भाई तुम्हारा जो मैं टाइम ले रहा हूँ वो उनको, हाँ पक्का जाएगा तभी मैं टाइम दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो है, हाँ वो बंदा बहुत बिजी है, वो वेट करेगा, समझ में आ रहा? हाँ, नेक्स्ट हो गया एसोसिएट हाउस। ये मेरे को लगता है सबसे आसान इनविटेशन और सबसे इफेक्टिव भी है, क्योंकि किसी को भी बुलाना है खुद का घर में बुलाना सबसे आसान है, ऐसा ना? हाँ, क्योंकि हम लोग किसको बुलाते हैं, जो हमारा जान पहचान है। हाँ, जो जान पहचान है उसको घर में बुलाना आसान होता है, और उसको उतना दिमाग में भी कुछ नहीं आता क्यों बुला रहे, हाँ आ जाना चलो, हाँ तो आराम से हम अपना घर में बुला सकते हैं। और ये सभी काम में कहीं पे भी वो बंदा नहीं आ रहा है, आखिरी उपाय, ये पहला उपाय नहीं है, क्या है आखिरी रास्ता, हाँ वो क्या है, इनविटेशन। तो अब आप लोग लिख लिए, मेरा बात है कितना लोग इस चीज को अमल कर रहे हैं, हो रहा है? यस। हाँ यस।
बंदा जाएगा चाहे रिप्लायंस हो दिखाएगा। तो आपको ये दोनों में से कोई एक पार्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आप मैम सर दिखाएंगे, आपको इन्वाइट भी करना है कभी और कभी दिखाना भी है, सही ना? Yes. जितना जल्दी आप खुद एसटीपी सीख लोगे उतना जल्दी आप इस छह चीज का अप्लाई कर पाओगे, ये समझो? Yes. खुद एसटीपी सीखना बहुत जरूरी है। कितना लोग यहाँ पर है जो लोग स्पीच भी कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। जितना लोग हाथ उठा रहे कर सकते हैं, आप सोचो अगर आप स्टीप कर सकते हो तो आपको सिल्वर होने से कौन रोकेगा? आप स्टीप नहीं कर सकते हो तो हो सकता है आप सिल्वर बनो कि ना बनो दूसरा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों दूसरा के ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि वो आपके लिए प्लान शो करके देगा तभी ना आपका डिट जाएगा। मगर जब आपको खुद को प्लान शो आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज आपको रोक सकता है, वह आपका खुद का कॉन्फिडेंस। हम लोग एसटीपी सीखने का बात भी नहीं कर पाते क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है। दिमाग में एक चीज चलता रहता कि मैं प्लान शो करूंगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगा और इसी चक्कर में आधा प्लान शो ही नहीं होता। समझ में आ रहा था? तो एकदम पूरा दिमाग में बसा के रखिए कि आप जब सोचने लगोगे कि आपसे बेहतरीन प्लान शो कोई नहीं कर सकता तो आपका ज्वाइनिंग निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको भी आप प्लान शो करो, प्लान शो का थंब रूल हम बार बार बोलते हैं कि दिमाग में लगा के रखो द पर्सन लिसन द प्लान ही लिसन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो बंदा प्लान सुन रहा है वो पहली बार सुन रहा है, उसके लिए कंपेयर करने का जगह नहीं है, नहीं है। सही ना? तो आप जो बोलोगे वही उसके लिए बेस्ट है। एसटीपी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सुनाना पड़ेगा। इसमें काम क्या है हमारा पास? यही तो काम है, यही काम है हमारा। और सिर्फ यही काम अगर ठीक ठाक करते रहेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं, सही ना? तो ये एसटीपी करना है, उसको पूरा प्लानिंग करना है। और एसटीपी के लिए दो तीन पार्ट है। हम बोलते हैं ऑल एसटीपी या ग्रुप एसटीपी, कभी ऑफिस या सेंटर में होता है, सही ना? इसका साथ वन टू वन एसटीपी का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे जब हम हॉल में प्लान शो करते हैं तो हम लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हर तरह का आदमी है। यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठा हुआ होगा, हाउसवाइफ भी हो सकता है, कोई सीनियर आदमी भी हो सकता है, ये सब लोग। तो हमारा हर चीज को लेकर डिस्कस करना है। ऐसे नहीं हॉल स्टीप है तो सर मैं एडुकेशन का बात करके चला जाऊंगा, होगा क्या? हम लोग को एडुकेशन का भी बात करना है, हेल्थ का भी बात करना है, एग्रीकल्चर का भी बात करना है, इनकम का भी बात करना है, चारों चीज को लेकर बात करना है, हर ऑब्जेक्टिव लेके बात करना है, सही ना? हॉल स्टीप ग्रुप स्टीप में भी लगभग सभी चीज को टच करना है। मगर जब वन टू वन स्टीप हो रहा है तो आपका स्टीप कस्टमाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कस्टमाइज मतलब क्या हो? कस्टमर का हिसाब से। हमारा पास पहले जो इनवाइटी आते हैं वो हमारा लिए पहले क्या है? एक कस्टमर है। और जब वो ज्वाइन कर जाते हैं वो हमारे लिए एसोसिएट है, ये सर नो? अब उसका क्या डिमांड है, उसका क्या नीड है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। उसका नीड उसका डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से अगर हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है, हमारा एजुकेशन हो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका नीड का हिसाब से हम उसको फीचर्स और बेनिफिट समझा पाए, क्या समझाएंगे? फीचर्स और बेनिफिट्स। फीचर्स मतलब क्या है? ये चीज है। बेनिफिट मतलब ये करने से आपका ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा। समझ में आ रहा? नोनी में विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, विटामिन सी है, उसका साथ डिफरेंट टाइप का मिनरल्स है, 140 से ज्यादा न्यूट्रिसिटिकल्स है, ये नोनी का फीचर्स। मगर इसको पीने से आपका क्या होगा? 29 तरह का डिजीज से आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, सही ना? आपका शुगर का प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, सही ना? आपका हार्ट का प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, आपका बहुत सारा बीमारी जो है वो होने से रोकेगा, ये आपका बेनिफिट है।
समझ में आ रहा? यस हाँ, फीचर्स और बेनिफिट का अंतर समझ में आ रहा? यस। तो ये दो चीज को कोई भी बंदा को आप कंसीडर कर रहे हैं हाँ, तो एक बंदा जिसको एजुकेशन के लिए ही वो आया है उसको आपको ज्यादा एजुकेशन बोलना है कि प्रोडक्ट बोलना है? एजुकेशन बताना है हाँ। और कोई मिडिल एज बंदा आया है हाँ, वो कोर्स करेगा नहीं तो उसको आप सिर्फ आईटी स्मार्ट ही दो घंटा समझाते रहेंगे तो फायदा है? नहीं। तो जो बंदा हमारा सामने है, जो बंदा एसटीपी में हमारा फ्रंट में रहेगा, उसका नीड क्या है, उसको जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम लोग उसका सामने चीज को देंगे। यस और नो? यस। ये जब आप कर पाएंगे तो देखोगे पेंसो बहुत इफेक्टिव होगा, बाकी नहीं होगा।